टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स से पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भैया आपके एग्जाम सेंटर को लेकर और आपके आइडेंटिटी कार्ड को लेकर और एडमिट कार्ड को लेकर। जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद सॉल्यूशन इस वीडियो में। बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ आपके एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड की। तो भैया आइडेंटिटी कार्ड अलग है और एडमिट कार्ड अलग है। आइडेंटिटी कार्ड जो है, अभी तक आपने जैसे पीसीपी गए होंगे तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ी होगी, और भी मतलब जितने भी अभी तक आप लोगों ने वर्क किए हैं उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड यूज़ हुआ है। अब आती है बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए होता है एडमिट कार्ड। ये तो कॉमन सी एक चीज़ है, जब भी कभी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो अब बात आ जाती है कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है एडमिट कार्ड को लेकर, और हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आपके स्टडी सेंटर से ही आपको मिले, क्योंकि जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है वो अब जो है स्टडी सेंटर को दी जा रही है और वही वहाँ से आप लोगों को अपडेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर की। तो हमारे यहाँ उधम सिंह नगर उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो अलॉट होना शुरू हो गए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के। तो ऐसे में जो पीसीपी सेंटर, यहाँ पे जो हमारा स्टडी सेंटर था, उन लोगों को बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर उठा करके यहाँ रख दिया है। पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को नहीं बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर ये होने वाला है या आपका एग्ज़ाम सेंटर ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीधे जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं आप लोगों के, ये जहाँ पर आप पीसीपी क्लास के लिए गए थे, आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट में रहें, उनसे टच में रहें, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपको पता चलने वाला है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है कहां पर है। क्योंकि विंडो पे आप इस टाइम स्क्रीन पर वो देख रहे होंगे जिसमें अलॉट हुए हैं, हमारे इधर दो तीन एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं जिसमें दो आपको इस टाइम दिख रहे होंगे, जिसमें कई सारे पीसीपी सेंटर्स को उठा करके इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर के लिए कंबाइन कर दिया है। पांच छह स्टडी सेंटर को मिला करके एक जगह पर आपका ये एग्ज़ाम सेंटर बनाने वाले हैं। पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन लगातार सुर्खियों में थी कि भैया आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे उस पर करीब 400 से 500 या 600 स्टूडेंट कम से कम इसमें होंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। क्योंकि स्टडी सेंटर पर तो भैया 50 या 100 के बीच में ही आपके स्टूडेंट थे, तो उनको एग्ज़ाम सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कई सारे स्टडी सेंटर को कंबाइन किया। अब उस स्टडी सेंटर में चाहे 10 स्कूल थे या 12 स्कूल थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है मतलब एग्ज़ाम सेंटर स्टडी सेंटर के बेस पर आप लोगों को अलॉट हुए हैं। तो अब आपको अगर जानना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, तो उसके लिए आप अपने पीसीपी जहाँ पे आपने करी थी स्टडी सेंटर पर, उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। बाकी आज 12 तारीख हो गई है, अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। अगर कोई अपडेट एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के आपका वेबसाइट पर होता है तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, और अगर एडमिट कार्ड को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब दोनों चीज़ के लिए, यानी कि एडमिट कार्ड के लिए भी आप अपने स्टडी सेंटर पर बात करें, और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसके लिए भी आप अपने स्टडी सेंटर पर बात करें अपने कोऑर्डिनेटर से। तो ये थे आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने थे। उम्मीद है आपकी जो माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा होगा वो दूर हो गया होगा इस वीडियो से। और अगर अभी तक आपको कोई थोड़ा बहुत और कन्फ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ में परेशानी आ रही है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो इसको शेयर कर दो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लो, इससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।